खिताबी भिड़त के लिए यहाँ टॉस की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद पहला शूटर अजय हास्ता एमरम स्टार हजारीबाग अपने टीम के लिए किस तरह के शुरुआत देते हैं। अजय हास्ता बिल्कुल चले हैं और बचाव के पक्ष में लंबे कद काटे गोलकीपर सदानंद सौरे विशील यहां बन चुकी है। पहला स्पॉट किक होगा और इसी के साथ काफी खराब स्पॉट यहां अजय हास्ता का। अपने आप से काफी नाराज है अजय हास्ता, क्या न करे क्या नहीं समझ में नहीं आता हुआ और इस तरह से पहला शूटर यहां ब्लॉक हो चुका है। ऐसा सर यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ लीड बना सकती है, अगर बेहतर डील करती है तो एक कदम आगे बढ़ जाएगा आदिवासी हॉस्टल गोड्डा कॉलेज गोड्डा। बहुत धैर्य की जरूरत है, बहुत धैर्य की जरूरत है, खास करके गोलकीपर को। हर एक्टिविटी को शॉट लेने वाले पर ध्यान देना होगा। और गोलकीपर को समझ में नहीं आया कि इतना नीचा से बॉल जाएगा और उन्होंने ग्राउंड शॉट खेला और इस तरह से बॉल। निश्चित रूप से अभी हौसला बुलंद है गोड्डा हॉस्टल का और वो तो बॉल नहीं कर सकता ना। दूसरे प्रयास में हजारीबाग की टीम जर्सी नंबर 13 देखना पड़ेगा कि वो लीड कर पाते हैं या नहीं। बहुत सुंदर गोल, बहुत सुंदर गोल, इस बार वो मिस नहीं किए और बिल्कुल उन्होंने खाता खुले ना। हेमरम स्टार हजारीबाग टीम शुरुआती पड़ाव में हताश होने की आवश्यकता नहीं है, इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। बेहद बेहद ये खिताबी भिड़त है और इस समय दूसरा शूटर के रूप में धनय किसको किस तरह से यहाँ अपने टीम के लिए योगदान दे पाएंगे। पूरी रणनीति के साथ टीम के कप्तान लखन टुडू ने इस खिलाड़ी को भेजा है। कार्य काफी दारुमदार रहेगा इस खिलाड़ी पर और बचाव के पक्ष में एक बार फिर से वही नियमित गोलकीपर हजारीबाग। काफी लंबी रनअप है धराय किस्मों का। चलिए शॉट को देखते हैं और यहाँ काफी खराब शॉट धराय किस्मों का शॉट भी यहाँ ब्लॉक हो चुका है काफी बाहर और यहां मैच एक बार फिर से बराबरी की पोजीशन पर आ चुका है। दो दो के शॉट में मैच एक बार फिर से टाई बनी हुई है। जर्सी नंबर 15 पहने खिलाड़ी तीसरा शूटर के रूप में तीसरा स्पॉट की नाम है इस खिलाड़ी का अजय किसको। चार गोलों के साथ संयुक्त रूप से राजकुमार टुडू के साथ टॉप पे चल रहे हैं और इस बीच बेहतरीन गोल करी है अजय किसको ने और तीनों भाग में आता होता है संतावन अपराध के यहाँ भाग और तैयार के लोग कोमा रहे जो बोलते हैं उपाध्याय सुंदरी से जुड़े लगी उन्होंने ये बोल दिया। श्रीराम जी उधर जितना प्राइज वितरण किनके हाथों क्या करना है सारा चीज आप व्यवस्था करके रखें ताकि प्राइज वितरण में विलम्ब न हो। वहाँ का काम आप लोग स्टेज में पूरा फिनिश करके रखें, फुटबॉल खेल और जो एक्स्ट्रा है उसका भी। धन्यवाद। अब वो शख्स है ताला सोरेन का बहुत बढ़िया गोल, अच्छा फिनिशिंग किया है ये खिलाड़ी। मैं बता दूं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी से जो है केरल के लिए खेलने के लिए चले गए थे, बहुत बड़ा उपलब्धि इस खिलाड़ी के पास है।
और इस समय तीसरा शूटर के रूप में ऐसा गोल को दागा है। तीन तीन के शॉट में दोनों ही टीम ने दो दो गोल को दाग करके एक बार फिर से बराबरी की पोजीशन पे चल रहा है। नीतो नुईबुन जलेका नुईतो हरीश किसकू अड़ी डेजर खिलाड़ी के नाय अड़ी ग्रेट रन खिलाड़ी के नाय पाकुड़ क्षेत्र रे हमेशा नुई खिलाड़िया दमखम तहन कर दिया। अब ही नुआ स्टूडेंट क्लब बड़गामा बरबसिया ने धमाले मचाओ का डोडे चिल का शॉट दानवा चौथा शूटर बुन जलेया आनी तो पंचा पक्ष परिवर्तन के बाद अब्दुल अंसारी बचा पक्ष रहे नोडे बुन जले के नाम काफी समय आता होगा हरीश किसकू बिल्कुल और जी हाँ हरीश किसकू आनोडे शॉट गोल रे तब्दील कर दिया। चार रे तीन एमरम स्टार हजारीबाग। अब चौथा शूटर किस खिलाड़ी को भेजते हैं लखन टुडू नवाज अली युवा आनी तो जर्सी नंबर 9 हरो का छैला सोरेन अडी बेहतरीन खिलाड़ी के ना गोल टेकिंग खिलाड़ी के ना है स्ट्राइकर या भूमिका नई खिलाड़ी प्लेदा छैला बॉल को यहां सम्मान दिया जा रहा है। ये चौथा स्पॉट की है और बचाव के पक्ष में वही एक बार फिर से नियमित गोलकीपर हजारीबाग टीम का नॉमिन सरकार का विसिल बज चुका है। आइए और ये भी बेहतरीन गोल। दोनों ही टीम एसदास सर बिल्कुल हार मानने को तैयार नहीं है क्योंकि ये फाइनल का किताबी फिड़प है। हार माने भी क्यों, डू और डाई का मैच करो या मरो। टाई ब्रेकर हो सके आपका सडन डेथ में भी जा सकता है। जैसा कि आपने देखा कि एक मैच जो है 10-11 शॉट के बाद डिसीजन हुआ। कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं होगा। जर्सी नंबर 7 जा रहे हैं धीरे धीरे। जेबीएल जी देखने वाली बात होगी कि इनका शॉट कैसा निकलता है। चार चार के शॉट में बराबरी पर पांचवा शॉट लेके गए हुए हैं जेबीएल जी। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, देखने वाली बात होगी क्या करते हैं जेबीएल जी। अब हीट लेने के लिए तैयार और इस तरह से गोल गोल। अब बिल्कुल सर जेबीआर ने बहुत ही बेहतरीन खेला था मैच के दरमियान में सभी मैच और शॉट भी बहुत सुंदर कट करके लगाया पूर्वी छोर का कोना में जहां गोलकीपर ड्राइव मारने पर भी वो पहुंच नहीं पाते थे पहुंच नहीं सकते थे और प्लेस को बहुत सुंदर ढंग से चुना और टेक्निक बहुत हार्ड बॉल भी नहीं दिया कि ताकि फ्लाइट करे। राजकुमार जी, राजकुमार जी के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। ग्राउंड में खेल तो इन्होंने नाम कमा लिया अपना लेकिन जीत और हार इनके कंधे पर। राजकुमार जी हार मानने वाले नहीं है। बराबरी का गेम चलता हुआ और इस तरह रेफरी महोदय सडन डेथ लागू, सडन डेथ लागू। बिल्कुल करो या मरो, डू और डाई। एक अचानक मौत, यानी दोनों तरफ से एक एक खिलाड़ी को यहां शॉट करने के लिए बुलाया गया है। जर्सी नंबर 4 को इस समय देखा जा रहा है सडन डेथ का पहला शॉट दागने के लिए। एक बार फिर से वही नियमित गोलकीपर अब्दुल और इसी भी और ये भी बेहतरीन गोल करके यहां नेट में जा फंसाया है। ये शॉट जो है ये टाइगर कर खिलाड़ी के कला कौशल को देखते हैं, नापते हैं कि किस तरह का इसमें कला कौशल है, कितनी अनुभव है और बिल्कुल पूरी तरह से कंसंट्रेशन के साथ पूरी एकाग्रता के साथ शॉट को जमा रहे हैं दोनों टीम के खिलाड़ी। जर्सी नंबर 12 पहने खिलाड़ी इस समय उपेंद्र हेमरम सडन डेथ का स्पॉट किक लेने के लिए।
जो लीड बनी है उसको कमबैक करने के लिए, वापसी करने के लिए पूरी रणनीति के साथ। चलिए शॉट को देखते हैं और यहां बचा लिया और इसी के साथ इस मुकाबला को जीत लिया है हेमरा मिस्टर हजारीबाग के टीम। चलिए अंतिम समय